नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है आम, नारियल और हरे धनिया की चटपटी चटनी। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आम की चटनी तो हम बनाते ही हैं, पर मैं आज इसको नारियल और हरे धनिया के साथ बना रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जिसके लिए मैंने एक ये छोटा आम लिया हुआ है, जिसे छील करके ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया और अच्छे से धो लिया है इसे। और ये कच्चा नारियल लिया हुआ है, फ्रेश नारियल, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और आप इसमें हरी मिर्च भी ले सकते हो। ये हरी मिर्च है जो सूख गई है, मैंने ये ली हुई है। और तीखा आप अपने पसंद के अनुसार जितना 2 या 3 मिर्ची ले सकते हो। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो शुरू करते हैं चटनी बनाना। इसके लिए मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है और इसमें मैं आम, नारियल और हरा धनिया सब डाल दूंगी। मैं इसे तड़का नहीं लगा रही हूँ, चाहे तो आप तड़का भी लगा सकते हो। और ये मिर्च डाल देती हूँ। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक जब भी खाएं सेंधा नमक खाएं। और अब इसकी चटनी पीस लेती हूँ। ये देखिए चटनी पीस चुकी है और इसका कलर बहुत ही अच्छा है, ग्रीन कलर धनिए से। और सूखी मिर्ची डाली हुई है लाल वाली, तो उसका बीच बीच में लाल कलर बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो मैंने इसको पीसने के लिए पानी का यूज़ नहीं किया है। और बिना पानी के भी ये चटनी अच्छी लगती है। अगर आपको इस तरह की ड्राई चटनी नहीं पसंद है, तो आप इसमें पानी डाल के भी चटनी पीस सकते हो। पर सूखी चटनी रहने से ज़्यादा दिन तक टिक सकती है। वैसे गर्मी का मौसम है तो चीज़ें जल्दी ख़राब होती है। तो आप इसे 1 से 2 दिन तो बाहर रख सकते हो, नहीं तो इसे आप फ्रिज में 1 हफ्ता तक रख के खा सकते हो। तो अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। आम, नारियल और हरे धनिया की चटपटी चटनी बनके तैयार है खाने के लिए। और ये चटनी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। जिसे आप रोटी, पराठा, दाल, चावल के साथ मिक्स करके खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने इसे तड़का नहीं लगाया है, आप चाहे तो इसे तड़का लगा सकते हो। इसमें राई डाल सकते हो, हींग डाल सकते हो, जिससे उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो आपको अगर ये चटनी की रेसिपी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूले कि चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।